साहब साहब चल आगे चल। अरे भाई साहब, इन लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए। आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते। भोली सूरत बनाकर भीख मांगते हैं और रात को फुटपाथ पर बैठकर जुआ खेलते हैं और चरस पीते हैं साले। भीख मांगकर डांस बार में जाते हैं और लौंडिया के ऊपर पैसे उड़ाते हैं। जितनी तुम्हारी सैलरी नहीं होगी उससे ज्यादा इनकी इनकम है, समझ गए ना भाई साहब? क्यों बे, तूने कभी इनमें से किसी को काम दिलवाया? पागल हो गया क्या? इन भिखारियों के लिए मैं काम ढूंढते बैठूंगा तो मैं खुद भिखारी हो जाऊंगा। इनकी भी मजबूरी होती है, कोई खुशी से नहीं करता। हाँ दे दे, ये ले। तुझे तो बुखार है, जाकर आराम कर, भीख क्यों मांग रहा है? इतना भी बीमार क्यों ना रहूं, काम तो करना ही पड़ता है वरना वो मुझे मार डालेंगे। वो कौन? दामू सेठ। बुखार है, डॉक्टर के पास जाना है। सर्दी बुखार सर दर्द जिंदा हो तब तक, मरने के बाद छींक भी नहीं आएगी। अगर रोना है ना तो भीख मांगते टाइम रोना। सुनो, तुम जिंदा रहो या मर जाओ, दिन में 100 रुपए तुम्हें लाना ही होगा वरना तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। वो इतना बेरहम है कि छोटे बच्चों की आंखें तक फोड़ देता है। ये बहुत अच्छा डांसर था भैया, बड़ा डांसर बनना चाहता था लेकिन सेठ ने इसका पैर काट दिया। दामू सेठ के आदमी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर फैले हुए हैं भैया। जो भी नया बच्चा आता है वो उसे काम का झांसा देकर फंसा लेते हैं। एक बार जो बच्चा उनके चुंगल में फंस जाता है वो वहाँ से जिंदा कभी नहीं निकल पाता। तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? दो बच्चों ने कंप्लेंट करने की कोशिश की थी पर उसने उन दोनों को मार डाला। हम सब उसके डर के वजह से ही मजबूरन भीख मांगते हैं भैया। कहाँ मिलेगा ये दामू? तुम सब क्या मेरे बाप की शादी में आए हो या फिर नाइट ड्यूटी वाले हो? जी साहब। कुत्तो, खाना तो 3-3 बार खाते हो और भीख मांगने एक बार जाते हो। पता नहीं लोग कॉइन्स क्यों देते हैं, नोट क्यों नहीं देते, गिनने में कितनी तकलीफ होती है। जय हो जय हो, महीने की पहली तारीख को लगता है कि लक्ष्मी जी स्वयं पधारी है। शर्म करो बॉस, इसको भी कोई इनकम बोलता है? छोटे, पैसा चाहे अंबानी का हो या भीख का, रेट तो वही रहने वाला है ना। अरे छोटे, चिल्लर का भाव मार्केट में नोट से कहीं ज्यादा है। मैं तुझे चिल्लर का गणित समझाता हूँ। हमारे हजारों भिखारियों की फौज 1, 2 और 5 के सिक्के मिलाकर कितना पैसा लाते हैं? अरे मेरे मुन्ना, रकम इतनी बड़ी है कि जब इन बोरियों में नहीं समाती तो तेरे कैलकुलेटर में कैसे फिट होगी? अगर अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता लगे कि इस बिजनेस में इतना मुनाफा है तो वो लोग यही धंधा शुरू कर देंगे। आ गया मेरा बेटा, हीरो लग रहा है एकदम। मैं कैसा लग रहा हूँ भाई? मैं 50 करोड़ रुपए लगाकर फिल्म बनाऊंगा और उसमें तुझे हीरो बनाऊंगा। अगर मार्केट के सारे भिखारी भी फिल्म देखेंगे तो सुपर हिट। मुझे हीरो नहीं बनना है, गाना और फाइट मुझे बोरिंग लगते हैं, मुझे विलन वाले कम पसंद है। तो इसमें नया क्या है? मेरी पर्सनालिटी पे वही सूट करता। कौन है तू? अरे मार क्यों रहा है? अरे बस कर, अरे क्या कर रहा है वो, मर जाएगा। मैं चाहता हूँ ये मर जाए। मेरे एरिया में घुसकर मेरे बेटे को मारता है कौन तू? मैं कुत्ता नहीं जो तेरा इनविटेशन लेकर आऊं, शेर हूं। तू अपने बेटे को मार खाते नहीं देख सकता तो फिर कोई माँ बाप अपने मासूम बच्चों को भीख मांगते कैसे देख सकते हैं? फिक्र मत करो, अंधा हो जाएगा और दर्द भी नहीं होगा। रोने पे ध्यान मत दो, अंधा कर दो। बहुत भारी पड़ेगा तुझे, छोड़ दे मेरे बेटे को। तू क्या मदर टेरेसा का शिष्य है जो इन भिखमंगों का मसीहा बनके तू यहाँ आया है? चढ़े, पता इसे कौन हूँ मैं? ये पूरे शहर में दामू सेठ का राज है, ये बूढ़े बच्चों के हाथ पैर काटकर उनसे भीख मंगवाते हैं और तू तो कितना चिकना है, तुझे तो भीख भी नहीं मिलेगी, चल निकल यहाँ से। बना दो इसे भी भिखमंगा।
स्टेशन। इंसानों से जानवरों जैसा सुलूक करता है। तूने अपने इन्हीं गंदे हाथों से उन मासूम बच्चों की आंखें निकाली थी ना, जिन्हें अपनी माँ की गोद नसीब नहीं हुई, उनके हाथों में तूने कटोरे थमा दिए। बस करो भाई, उनको किए की सजा मिल गई, अब तो भिखारी इन्हें भीख देंगे। मुंह छोड़ दो, नहीं तो भीख भी नहीं मांग पाएंगे। बड़े भाई छोड़ दो ना, कितनी देर से चिल्ला रहे, कान में दर्द होने लगा है। सर बुरा मत मानना, ये सलाम ठोकने की हालत में नहीं है, एक छोटी रिक्वेस्ट है बस। करना जीप में ले जाने की बजाय इन्हें एम्बुलेंस में ले जाइए, कम से कम चक्की तो पीस पाएंगे। अपनी जान खतरे में डालकर आपने बेगस माफिया को एक्सपोज किया, कुछ कहना चाहेंगे? ये काम मीडिया का था, मुझे करना पड़ा। मीडिया का? हाँ मीडिया का। आपको बस मिनिस्टरों की गाड़ियों के पीछे भागना आता है, पर देश में लाखों बच्चे भीख मांगते हैं, उनका शोषण किया जाता है, अत्याचार होता है, वो नहीं दिखता। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप एसएमएस कॉन्टेस्ट चलाते हो, किसी हीरोइन को लड़का होगा या लड़की, फिल्म कितनी हिट है या फ्लॉप है, उसका बिजनेस कितना किया जाएगा ये देखते हो, पर मासूम बच्चों की क्या हालत हो रही है ये नजर नहीं आता। मीडिया को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। देखिए मैं कोई हीरो नहीं हूँ, सोसाइटी में कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को हार्ट ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत थी, कई लोगों ने उनकी मदद की है, उन लोगों के बारे में जनता को बताइए। देश को गुमराह करने के बजाय सही लोगों के बारे में लिखिए प्लीज। आप असली हीरो है भैया। नायक मर गया। हाँ, नायक मर गया। मर गया साला। वाह भाई, अब इस डुप्लीकेट को भी मार दो, वरना लोग इसे ही नायक मानने लगेंगे। क्यों बे, ऊपर चला गया तू? मरने के लिए तेरे को कोलकाते मिल गया? ए, बम का जैकेट पहना दो इसे। हैप्पी डेथ डे। ये तो नरपत भाई का नामो निशान मिटा देगा और उसके बाद हमारा।
सिर्फ कलकत्ता के रसगुल्ले खाए होंगे, तुझे मुंबई का वड़ा पाव खिलाता हूँ। बॉम्ब वाला जैकेट क्यों पहना रहा है? हमें चॉकलेट दी और इसे जैकेट। इस हालत में जीने से तो अच्छा कि ये मर जाएं सर। hey, ये सब किसने किया? नरपत जी कहाँ है? वो रहा ऊपर। कहाँ पहुंचा? कैसे पहुंचा? नहीं पहुंच गया। सुतली बम है कि वो फट गया है? सुतली बम समझकर फोड़ा तो ये हाल है सर। रॉकेट समझा होता तो किया किसने सब? नायक ने। नायक का डबल रोल है, किस वाले ने किया? वो जो नायक जो सर इमोशन में आके क्यों लूज मोशन करवा रहा है? ये ऐसे वैसे नहीं सीबीआई के मामू है। मैंने कुछ नहीं देखा। तो फिर यहां तुम क्या करने आए थे? सर यहाँ टूटी हड्डियां जोड़ने वाला आयुर्वेदिक तेल मिलता है, वही लेने आए थे सर। अबे यहां स्टील मिलता है, तुझे किसने यहां पे भेजा? सर इसने बताया था। आने जाने के पैसे भी उधार मांग कर लाया हूँ सर, पहले ही कंगाल हो चुका हूँ, अब उधारी भी बढ़ गई तो भीख मांग कर मुझे दिन निकालने पड़ेंगे। एक की तो चीचड़े उड़ गए, दूसरे ने कल्टी खा ली, हमारी खोखली गवाही भी कहीं काम नहीं आएगी। इस केस को भी खराब इसकी केस की तरह बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास सबूत भी नहीं है। मैं तो पहले से जानता था ये केस सुलझने वाला नहीं। हाँ गायत्री, हाँ कपड़े धोने आ रहा हूँ।